take to realize what's going on? How many years have gone by? When will I reach the finish line? Does it ever end? Is there some reason? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा पार्टी मेकअप। ये इंडियन पार्टी मेकअप लुक है। आप ये मेकअप लुक किसी भी फंक्शन में मतलब क्रिएट कर सकते हो, लाइक वेडिंग गेस्ट में भी कर सकते हो और हल्दी गेस्ट में भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी बिजी सा ये लुक क्रिएट किया मैंने। वाइट टोन भी मैंने इसमें यूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैंने ये लुक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे TTDI का यूज़ किया है कॉन्टैक्ट लेंसेस, और ये डार्क ब्राउन कलर का है, लाइट ब्राउन कलर का। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैक का यूज़ किया है कंसीलर। ये अभी न्यू लॉन्च है पैक की, तो काफ़ी अच्छा कंसीलर गाइस, इतना ज़्यादा कवरेज इसका है और इतने अच्छे से ब्लेंडिंग है, लॉन्ग लास्टिंग तो है ये, तो समर में तो बेस्ट है। उसके बाद मैंने मोड़ा के कॉम्पैक्ट से सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की मैंने यहाँ पे पैलेट यूज़ किया, और ये पिंक कलर मैं पिक करूँगी सबसे पहले, और आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से प्लेस करूँगी, और इसी पिंक को ब्लेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे फोकस करना है। हल्का हल्का से ले जाएंगे इनर कॉर्नर की तरफ, बहुत ही हल्का सा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। और अभी मैं यहाँ पे फिर से पैक का वही कंसीलर यूज़ करके कट क्रीज बनाऊँगी, हाफ़ कट क्रीज बनाऊँगी। तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है ये कंसीलर, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसने कट क्रीज बन गई है मेरी यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे ये आईलाइनर, ये ग्लिटर आईलाइनर है, सिल्वर का ग्लिटर आईलाइनर है, तो यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर पे यूज़ करूँगी ये ग्लिटर। और गाइस ये बहुत ही इजी आई मेकअप है, आप रिक्रिएट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो कलर का शेड सेम पैड की हेल्प से पिक किया है, और अपने सेंटर ऑफ द लिड पे इसी को अप्लाई करूँगी इस तरीके से, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं इसमें पिंक कलर का शेड लूँगी अपने इनर कॉर्नर पे, फिर से ब्लेंड करूँगी ताकि जो हार्श लाइन दिख रही है वो हट जाए, और हल्का हल्का से इसको इसी को ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं फिर से वही ग्लिटर, सिल्वर ग्लिटर लाइनर लेकर अपने जो सेंटर लिड की लाइन ऊपर की कट क्रीज है वहाँ पे अप्लाई की कर लिया, और अभी मैंने यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे गुड वाइब का जो है आर्गन फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वो विद गोल्ड लीप के साथ है गाइज, और ये समर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके साइन ऑफ एजिंग को सही करता है, रिजेनरेटिंग करता है आपकी स्किन को, और नाइट टाइम के लिए तो बेस्ट है, और गर्मियों में तो आप ज़रूर इसे यूज़ करिएगा। उसके बाद पर्पल का मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, आपकी अगर ऑयली स्किन है तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, और समर में तो ये मतलब बेस्ट है आपकी जो है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा मेकअप को। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट टोन अप्लाई किया। वाइट टोन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डुअल स्टिक पर्पल की जो हाइलाइटर उसको मिक्स करके अप्लाई किया, इससे क्या होगा कि आपके फेस पे बहुत ही प्यारा सा ग्लो आएगा, और वाइट टोन आपके एज अ बेस मेकअप बेस की तरह काम करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिलाने का फाउंडेशन यूज़ किया है, और बहुत ही गजब का फाउंडेशन है गाइज, ये बहुत ही डूई लुक देता है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, और ब्लेंड इतने अच्छे से, इतना बटरी टाइप का ये है मुझे लगा मिलाने का फाउंडेशन, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, वाटरप्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग अच्छी है। उसके बाद मैंने पैक का यहाँ पे यूज़ किया था बहुत ही लाइट सा कंसीलर, और अगर आप लोगों ने अभी तक पैक का कंसीलर नहीं लिया तो ज़रूर लीजिएगा गाइस, बहुत ही अमेजिंग कंसीलर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोड़ा के कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया अपना बेस। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से पिंक कलर का ये शेड पिक किया है, अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी, और अपने आई मेकअप को फिनिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर से येलो कलर का शेड पिक करूँगी अपने लोअर लैश लाइन के सेंटर में, मैं
येलो कलर लगाऊंगी। उसके बाद इनर कॉर्नर में फिर से मैं वही सिल्वर लाइनर लगा लूंगी। उसके बाद वाइट काजल मैंने पर्पल का यूज़ किया है, काफ़ी पिगमेंटेड काजल है और एक ही स्ट्रोक में आ जाता है, तो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा अप्लाई किया है ताकि दोनों फॉल्स आईलैशेस और सब कुछ एक जैसी लगे। वेट एंड वाइल्ड का मैंने यहाँ पे कॉन्टूर पैलेट यूज़ किया है। यहाँ पे मैं अपने चीक को, फॉरहेड को और जॉ लाइन को अच्छे से जो है कॉन्टूर कर लूँगी। उसके बाद ये ग्लैम 21 का पैलेट लेकर मैंने अपने जो है ब्लश अप्लाई कर लिया। ये पैलेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, क्योंकि इसमें कॉन्टूर भी है, हाईलाइट भी है और ब्लश भी है, तो बिगनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईब्रो को फिल किया है पर्पल की काजल से। बहुत ही हल्का हल्का सा मैंने स्ट्रोक लगाया है इसमें, क्योंकि जेल लाइनर है, ब्लैक लाइनर अगर मैं ज़्यादा अप्लाई कर लेती तो बहुत ही अजीब सी मेरे आईब्रो लगती, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट सा अप्लाई किया है। उसके बाद सेम पैलेट की हेल्प से मैंने ग्लैम 21 के पैलेट की ही हेल्प से मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि मेरा मेरा बेस कितना ज़्यादा डूई लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ किया है पर्पल की, और ये बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है गाइस, कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो इस लिपस्टिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चेकआउट करना ना भूलिएगा। वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही अच्छी करती है ये। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का मैंने फोटो फोकस लिया है, ये मेकअप सेटिंग स्प्रे, और इसी से अपने मेकअप को कर लूँगी सेट। सो आई होप गाइस कि आप लोग को ये लुक अच्छा लगा हो। अब आप जाइएगा वेडिंग गेस्ट में तो ये वाला लुक ज़रूर ट्राई करिए, करिएगा कहीं भी किसी भी फंक्शन में अगर आप ऐसा लुक करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करिएगा, मैं देखूंगी कि आप लोगों ने कैसा किया ये लुक। तो अगर अच्छा लगा हो ये लुक तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, लव यू।